आपके बालों की शान, आपके बालों की जान, 100% नेचुरल, केटीसी हर्बल हीना पाउडर, केटीसी हर्बल हीना पाउडर। नेशनल हाईवे 707 पांवटा साहिब शिलाई लाल ढांग पर डंपिंग यार्ड हेवना में ग्रामीणों ने प्रशासन व एनएच विभाग की शव यात्रा निकाली। आरोप है कि गांव वालों के साथ वादा खिलाफी की गई है। गांव वालों के नुकसान की भरपाई अब तक नहीं हुई है, जिससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। अब लोग उग्र होने को भी तैयार है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेशनल हाईवे के निर्माण में इस जगह पर अवैज्ञानिक तरीके से डंपिंग साइट बना दी गई है। बारिश के दौरान साइट के मलबे ने काफी नुकसान पहुंचाया था, खासकर डंपिंग से लोगों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों की माने तो करोड़ों लोगों को सहन करना पड़ा था, इसमें खेतों के अलावा घरों को भी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि जब यह मामला प्रशासन के समक्ष उठाया गया था तो मौके पर राजस्व अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन धरातल पर अब तक ग्रामीणों को न तो मुआवजा मिला है, न ही डंपिंग साइट को लेकर कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर तुरंत ही मुआवजा जारी नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें हाईवे को जाम करके जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। गाँव के वासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं NH-707 डंपिंग यार्ड फर्स्ट पर, और हमारा जो मुद्दा है, हमने 2 महीने पहले भी DC साहब SDM साहब को बताया था, लेकिन हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर जो हमारी इस डंपिंग यार्ड की वजह से जो नुकसान हो रहा है, वो हमने 2 महीने पहले भी सबके सामने, मीडिया के सामने भी रखा था, और SDM और SDM साहब और DC साहब के आगे हमने जो भी था हमारी प्रॉब्लम जो बताई थी, लेकिन आज हम यहाँ पर दोबारा से हमारे को इकट्ठा होने की नौबत आई है, और ये नौबत अभी हम आज तक हमने जो भी किया एक ऐसे रूल के हिसाब से हमने किया है। आगे अब जो भी हम कार्रवाई करेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, और जो हमारा हमें जो पुल है वो हमने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं, वो अभी तक हमारे प्रशासन ने इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की है, नहीं दिया जा रहा है। आज भी आज हमने क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन का और NHAI का हमने जो यहाँ पे पुतला फूका है, ये जो पूरा रोड है चक्का जाम कर देंगे, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारी जो फसलें हैं अभी साइड में जा भी आप देख सकते हैं जो नुकसान हुआ है पहले का भी, तो हम उसका भी साइड को बताएंगे। और जो 3 महीने पहले SDM साहब और पूरी PDF वगैरह सब लोग यहाँ पर आए थे, तब इन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर हम सारी जो कूलें खराब हुई कूलें ठीक करके देंगे, पानी के सोर्स जो बंद है उनको ठीक करके देंगे, कुएं जो है कुएं को भी ठीक करके देंगे, रास्ता फसलों का जो नुकसान हुआ है उसको बना के देंगे, रास्ते इनको बना के देंगे, फसलों का जो है उसका मुआवजा दिया जाएगा। उसके अगले दिन हमने प्रेस वार्ता करके ये कहा था कि जो मुआवजा ठीक है मुआवजा दीजिए, पर मुआवजा का वेस्ट जो होगा 20 या 25 साल पहले का नहीं होगा, जब केवल अदरक केवल मक्की होती थी, आज इन किसानों के टमाटर होते हैं, टमाटर की 14-14, 15-15 रुपए की क्रेट जा रही है, तो पिछले तब भी हमने कहा था लगभग 7 से 7.5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ तक का इनका नुकसान हो रहा है, इन लोगों का कूल पानी जिनके टमाटर, और उसके बाद दूसरी फसल भी बीज ली उन्होंने वो भी फिर बिना पानी को, वो भी जैसे किसानों ने कहा मटर अदरक सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं वापस। अभी भाई साहब ने कहा कि हम तो अब ठीक है मरेंगे या मारेंगे और क्या करेंगे, आज मुझे भूखा रह रहा है, 3 महीने से इनकी सूद नहीं ली गई है। बुलाने का कि मतलब क्या है, जब जिनको जितना नुकसान हो रहा है उन किसानों को नहीं बुलाया जा रहा, जो इससे हम लोग सब लोग जुड़े हैं उनको नहीं बुलाया जाता, इसका मतलब तुम लोग सेटिंग करते हो सीधे, मैं तो आज ये बोलूँगा DC साहब आप भी सेटिंग करते हैं, SDM साहब आप भी सेटिंग करते होगे, और ये कंपनी वाले कहते भी हैं कि कितनी बार जितनी बार हम प्रेस वार्ता करके जितनी बार हम कुछ कहते हैं उतनी बार चले जाते हैं वहाँ पैसे दे देते हैं, हार्ड लेटर आते गए, हार्ड लेटर के बाद हार्ड कैश भी उनको पहुँचता होगा, बिल्कुल मिलता होगा। और अगर आपको ये आरोप लग रहा है कि आरोप है तो आरोप नहीं है, सही बात है, सीधी बात है, और हम सही बात कह रहे हैं, प्रूफ चाहिए उसका प्रूफ भी आपको दे दिया जाएगा। बाकी भाई लोगों को हमने जितना शांत करना आज तक हम शांत करके 3 महीने कर, अब ये शांत होने वाले नहीं है, भूखे मर रहे हैं, तो प्रशासन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किसी को मारे पीट आज के बाद फ्री है ये लोग, आज के बाद हमारे कोई इसमें नहीं, तो हम बीच में आते थे और बाद में नहीं भैया ये है वो है, अब नहीं आएंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है मरता आदमी क्या नहीं करेगा, शनिवार तक इन्होंने समय दिया, शनिवार तक अगर काम नहीं होता तो संडे को चक्का जाम होगा, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जिला प्रशासन सिरमौर है। धन्यवाद।